तो हेलो गाइस एंड वंस अगेन आप लोगों का मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं रवि तेजस की न्यू एक्शन पैक मूवी टाइगर नगेश्वर राव के ट्रेलर के बारे में, जिसे कि ऑफिशियली रिलीज करवा दिया गया है। तो बिना आपको ज्यादा टाइम देते हुए चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो ट्यूजडे को रवि तेजा की फिल्म टाइगर नागेश्वर राव का ट्रेलर आउट करवा दिया गया और मैं आपको बता दूं कि रवि तेजा की ये पहली पैन इंडिया मूवी होने वाली है। और अगर बात करें अदर कास्ट की कि और कौन कौन से एक्टर्स या एक्ट्रेसेस हमें इस मूवी में दिखने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं कि रवि तेजा के साथ कृति सेनन की बहन नुपुर सेनन, किशु सेन गुप्ता और अनुपम खेर जैसे दिग्गज सुपरस्टार भी हमें दिखने वाले हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके ट्रेलर की कि ट्रेलर में हमें क्या दिखाया गया। तो जब ट्रेलर की शुरुआत होती है तो वहाँ एक ट्रेन सीन चल रहा होता है जहाँ पर काफी सारे लोग गुंदूर रेलवे स्टेशन की ऑब्सर्व करते हुए नजर आते हैं। फिर स्टार्ट होता है इसका नेक्स्ट सीन जहाँ पर एक अनजान व्यक्ति पुलिस को वार्निंग देता हुआ नजर आता है, जो कि कहता है कि सर्कस एक्सप्रेस जो कि काकीनाडा से मद्रास जाने वाली है वहां पर वो लूट मचाने वाला है। इसके बाद रवि तेजा का एक दासूसा डायलॉग कि किसी को मारने से पहले या फिर लूट मचाने से पहले मैं एक वार्निंग देने का शौक रखता हूँ। बात की जाए लव इंटरेस्ट की कि उनकी इस फिल्म में लव इंटरेस्ट कौन होगी, तो मैं तो नहीं होऊंगा, होंगी नुपुर सेनन। एंड नुपुर सेनन इज ए टैलेंटेड एक्ट्रेस नॉट लाइक मी लाइक हर सिस्टर कृति सेनन। एंड उनकी एक सीरीज आई थी कुछ महीने पहले, इसका नाम है पॉपकॉर्न। तो पॉपकॉर्न वो सीरीज ही बेहद अच्छी थी एंड उसमें नुपुर सेनन का परफॉर्मेंस वो भी अच्छा था, बहुत ज्यादा अच्छा। तो गाइस आगे हम इस ट्रेलर में देखते हैं कि गांव वालों के लिए हीरो और पुलिस वालों के लिए एक बिग थ्रेट टाइगर नागेश्वर राव को पकड़ने के लिए एक स्पेशल फोर्स बनाई जाती है, जिसे की लीड कर रहे होते हैं सेन गुप्ता, जिस्सु सेन गुप्ता। इस ट्रेलर में हमें मुरली शर्मा भी दिखाई देते हैं जो की सुपरिटेंडेंट और पुलिस का रोल निभाएंगे, और अनुपम खेर भी दिखाई देते हैं जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का रोल निभाएंगे इस मूवी में। इन दोनों के इंट्रोडक्शन के बाद काफी सारे एक्शन सीक्वेंसेस भी दिखाए जाते हैं हमें इस ट्रेलर में। इस फिल्म का बजट 50 करोड़ का है, इसे डायरेक्ट कर रहे हैं वामसी। और ये ट्रेलर मुझे कैसा लगा ये बताने से पहले गाइड कुछ कमेंट्स है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो गाइड पहला जो कमेंट है वो ये है कि यूजिंग AI टेक्नोलॉजी ऑन वॉइस डेवलपिंग सुपर टेक्नोलॉजी टू लिसन एक्टर ऑन वॉइस फॉर डबिंग वॉइस। तो गाइस ये जो कमेंट है वो मेरे सर के ऊपर से जा रहा है, तो इसे आप कमेंट सेक्शन में जरा समझाइएगा। दूसरे ने कमेंट किया है मास ब्लॉकबस्टर फुल गूसबम्प्स स्क्रीन पर जीत एंड VGA स्टनिंग मास महाराज ऑफ फैन फ्रॉम गुजरात। तो गुजरात के ये है और इनका कमेंट बहुत ही प्यारा है। और भी कमेंट्स है जैसे फर्स्ट टाइम एवर सीन दिस साइन लैंग्वेज ट्रेलर कम फिर इंडियन मूवी इंडस्ट्री। एक और कमेंट है हाईली अप्रिशिएट द एफर्ट्स फॉर ट्रांसलेटिंग फॉर vulnerable section like team produce for the person behind the idea। तो गाइस ये जो कुछ कमेंट्स है मैंने आपको दिखाया, इससे आप देख सकते हो कि फैंस कितना ज्यादा प्यार कर रहे हैं इसके ट्रेलर को और मैं भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस मूवी के लिए। अब बात करूँ तुर्की की मुझे ये ट्रेलर कैसा लगा, तो गाइस ट्रेलर मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। एंड रवि तेजा की फिल्में मैं देखा करता हूँ जैसे कि जानी दुश्मन, जीने नहीं दूंगा और एक और विनाशक। तो गाइस लिस्ट मेरी और भी ज्यादा लंबी है लेकिन अभी के लिए इतना ही। एक और जो बात आपको बतानी है वो ये है कि इसकी जो पिछली मूवी थी वाल्टर यूरेइया, उसने 240 करोड़ का आंकड़ा पार किया था और इस पर कितने की करेगी वो मुझे पता नहीं, बट अप्रोक्स आपको बताता हूँ कि 100 करोड़ का आंकड़ा आराम से पार कर देगी। वैसे आपको क्या लगता है टाइगर नागेश्वर राव के बारे में वो आप कमेंट में बताना। तो गाइस इसी के साथ आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है, जल्दी मुलाकात होगी आपसे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।